नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव चल रहे हैं, सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन इसके अंदर मतदाताओं के अलावा जो छोटे बच्चे हैं वो इससे साइड में है, यानी कि उनको कोई इससे पता नहीं है इस पूरी प्रक्रिया का क्या कुछ होता है, और मतदान के लिए जो है वो जा नहीं सकते, जो बूथ बने होते हैं वहां पर बच्चे जा नहीं सकते। तो ऐसे में जमाल गांव के आशा मिडिल स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया राधेश्याम गरवा की तरफ से अपने स्कूल के अंदर, और उनका माइंड में ये आया कि बच्चों को भी इस पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पूरा विस्तार से पता होना चाहिए। तो उन्होंने पूरा पंचायत चुनाव जो है उसका डेमो यहाँ पर किया जा रहा है। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो भी है पंचायत चुनाव का यहाँ पर ये डेमो के अंदर मतदान कक्ष इसको यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉक समिति, सरपंच और जिला परिषद का जो वोटिंग है यहाँ पर की जा रही है। स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, और इसके अंदर कैंडिडेट भी है वो भी स्कूली बच्चों को रखा गया है। स्कूल के अंदर जो है सरपंच पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, उसके अलावा जो स्कूल के स्टाफ हैं उसके अंदर 2 ब्लॉक समिति और 2 जिला परिषद के मेंबर इसके अंदर चुने जाने हैं, और उसकी जो वोटिंग है वो ये स्कूली बच्चे वो इसके अंदर करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है वो स्कूल के अंदर अपनाई जा रही है, और इसके पीछे का उद्देश्य की अगर बात करें तो बच्चों को चुनाव की प्रक्रिया समझाना और चुनाव के अंदर उनकी संलिप्तति हो और उनको अच्छे से पता होना चाहिए जब ये वयस्क होंगे और 18 साल जब ये क्रॉस करने के बाद मत का अपना प्रयोग करेंगे तो उससे पहले इनको पता होना चाहिए कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है, किस तरह से वोटिंग उनको करनी होती है। पहली बार अगर कोई वोटर जाता है मतदान केंद्र के अंदर तो वहां पर उसको जो कन्फ्यूजन होती है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो तो वो सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ पर इन बच्चों को अभी से सिखानी शुरू कर दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर आशा मिडिल स्कूल जमाल के अंदर अपनाया जा रहा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हमारा कार्यक्रम बच्चों को चुनावी प्रणाली के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, क्योंकि छोटे बच्चों को चुनाव के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती और ना ही इन बच्चों को कभी इलेक्शन के जहाँ वोट पड़ते हैं वहाँ जाने दिया जाता है। इसलिए हम ये चाहते थे कि बच्चों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। तो हमने बच्चों को पहले प्रैक्टिकली इसके बारे में बताया और बाद में इनको वार्ड क्लास वाइज वार्ड बना करके और सभी बच्चों में से 2 बच्चों को वार्ड मेंबर, पूरे स्कूल में से 3 बच्चों को सरपंच पद का उम्मीदवार बनाया और हमारे स्टाफ मेंबर में से 2 स्टाफ मेंबर को पंचायत समिति सदस्य और 2 स्टाफ मेंबर को जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित करके और यहाँ उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके उनकी वोटिंग करवाई जा रही है। इस तरह से ये जो बच्चों को जागरूक करने का काम है, कहाँ से समझ में आया और इसको कितना आप विस्तार देना चाहते हैं? समझ में तो अध्यापकों के होता ही है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि बच्चों को पंचायत के चुनाव के बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन जब मैंने बच्चों को प्रेयर में बताया तो ये बात समझी कि बच्चे इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बच्चों ने आज तक कभी वोटिंग होती हुई देखी नहीं और बच्चों को स्कूल में भी जाने नहीं दिया जाता जहाँ पर चुनाव होता है। तो मैंने उसी चीज को एक डेमो के रूप में पूरा विस्तार से यहाँ करके बताने का प्रयास किया, जिसमें बच्चे खुद वोट डाल के, खुद मतदान करके कैंडिडेट को चुन के, उनको जिता के इस बात को महसूस करेंगे कि आखिर चुनाव प्रणाली होती क्या है। अभी इस तरह का और भी स्कूलों में होना चाहिए क्या कुछ कहना? बिल्कुल होना चाहिए, सभी प्रकार की जितने चुनाव प्रक्रियाएं हैं बच्चों को बताई जानी चाहिए। वैसे तो संसद की प्रक्रिया बच्चों को बड़े स्कूलों में बताई जाती है, लेकिन पंचायत चुनाव के बारे में मैंने कहीं नहीं देखा कि बच्चों को चुनाव आयोजित करके इस तरीके से। सभी स्कूलों को ये प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए।